फर्स्ट वन इज अ वेरी गुड टॉपिक, मतलब कॉमेडी है इसमें, घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट. घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट मीन्स वॉट, फॉरेस्ट मीन्स वॉट, जंगल, जंगल का भूत. जंगल का भूत कौन है? ये है. कौन है? ये है. देखो अच्छे से, पिक्चर अच्छा लगता है ना स्टूडेंट्स को, कंटेंट हो या ना हो डायग्राम अच्छा होना चाहिए. मुझे ढूंढना पड़ता है अच्छा सा डायग्राम, मिले तो 100 डायग्राम इनका, अच्छा वाला डाल दिया यहाँ पे. ठीक है, ये है घोस्ट. क्यों? बिकॉज रात को चिल्लाता है जोर से, ए पर्टिकुलर वॉइस से चिल्लाता है. दिस इज द वॉइस. सी, अब हुआ क्या था, ये चीज जो चिल्लाना जो होता है ना, ये मार्को पोलो ने भी लिखा था पहले. मार्को पोलो, नाउ सी हाउ यू हैव टू लिंक द कंटेंट विथ योर स्टैटिक पार्ट. सी, देयर इज अ प्रिवेलेंट वाइल्ड लाइफ स्टोरी इन द ओरिएंटल रेल्म दैट टॉक्स अबाउट द वेनिशियन मर्चेंट. वेनिस, वेनिस इज अ जगह, राइट, इज अ प्लेस. वहां से एक मर्चेंट आया था और वो एक्सप्लोरर, जिसका नाम है मार्को पोलो. सो मार्को पोलो इज अ मेडिवल ट्रैवलर. सो इफ यू आर डन विथ योर मेडिवल हिस्ट्री, यू नीड टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मार्को पोलो. मार्को पोलो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. नोट डाउन मार्को पोलो. व्हेन यू स्टडी मेडिवल हिस्ट्री और गो टूडे, सो मार्को पोलो कब आया था, क्या किया था, इंडिया के बारे में क्या बोला था और बुक्स का नाम क्या है, दैट्स इट. एंड एनी स्पेसिफिक डायलॉग्स अबाउट अ पर्टिकुलर डायनेस्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. अंडरस्टूड मार्को पोलो के बारे में? ठीक है. तो देयर इज अ प्रिवेलेंट वाइल्ड लाइफ स्टोरी दैट टॉक्स अबाउट द वेनिशियन मर्चेंट एक्सप्लोरर एंड राइटर मार्को पोलो हु ट्रैवल्ड थ्रू एशिया अलोंग द सिल्क रूट. जो सिल्क रूट है वहां से ट्रैवल किया था बिटवीन 1271 एंड 1295 AD, मतलब मिडिवल टाइम्स, 13th सेंचुरी. He heard clairvoyance in Gobi and he wrote, when travelers are on the move by night and one of them chances to lag behind or to fall asleep or like when he tries to gain his company again, he will hear spirits talking. कोई भी अगर ट्रैवलर सो जाता है तो आवाज़ आती है, स्पिरिट्स बात करते हैं. ये चीज़ मार्को पोलो ने लिखा था जब वो उस टाइम इंडिया आया था, लाइक व्हेन ही केम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही रोट दिस थिंग इन हिज बुक. तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे दे हैव गिवन अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि द थिंग विच इज हैपनिंग टूडे इट इज नॉट न्यू. भूत काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी ओल्ड भूत है. ठीक है, बूढ़ा हो गया है भूत. भूत भी बूढ़ा होते हैं क्या? भूत मरते हैं. आर घोस्ट मोर्टल और इमोर्टल, क्या बोलते हैं? मैन इज मोर्टल, राइट. वॉट अबाउट घोस्ट? पता नहीं, घोस्ट होके सोचेंगे. ठीक है. नाउ देखो, सिमिलरली फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग इन द सेचाचलम फॉरेस्ट और द मधुमलाई और नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन केम इन 2020 प्रीलिम्स. इसी टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन आ चुका है. तो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व इज द इंडियाज व्हाट? अरे बोलो, पता नहीं, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. ओके, सो ये कौन से फॉरेस्ट में है? सेचाचलम फॉरेस्ट में. सो नाउ वी आर कन्वर्टिंग, व्हेन वी स्टार्ट एनवायरमेंट, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट टॉपिक. यू हैव टू कवर सेचाचलम में क्या मिलता है, क्या मिलता है? रेड सैंडर्स मिलता है. पुष्पावा का स्टोरी भी यहीं पे तो है. ठीक है, सो यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो वहाँ पे लीव करते, फॉरेस्ट पीपल हु लीव देयर, दे आर हियरिंग दिस साउंड्स लाइक ह्यूमन स्क्रीम. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ए घोस्टली एक्ट, दिस इज इनफैक्ट इज द कॉल ऑफ ए एंडेंजर्ड बर्ड, स्पॉट बेलीड ईगल आउल. आउल बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं? ओल, आउल, जैसे भी हो, नो बडी विल आस्क अबाउट प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, अपना अपना कर लो. बूबो निपालेंसिस इज द साइंटिफिक नेम, नो बडी विल आस्क यू अबाउट साइंटिफिक नेम. सो इट इज एंडेंजर्ड. ठीक है,
एंडेंजर्ड बर्ड है, काफी कम है, इसका पॉपुलेशन इज वेरी लेस एंडेंजर्ड बर्ड. ओके, सो यहां पे बस यू नीड टू रिमेंबर, क्वेश्चन को कैसे पुट करेंगे, रिसेंटली न्यूज अ बर्ड नाम देविलास्क नोन फॉरेस्ट वॉयस एट नाइट और स्क्रीम वॉज रिसेंटली फाउंड इन विच फॉरेस्ट. सिंपल, वो तो सेसाचलम फॉरेस्ट है, पता है. इन द एग्जाम दे विल आस्क, दे विल पुट 2 to 3 फेमस फॉरेस्ट नेम्स, वेरी फेमस. बट यस, बिकॉज यू गाइज कैन डू द आंसर करेक्टली बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू सेसाचलम, सो यू कैन पुट, बट नॉर्थ इंडियन वाले नहीं करेंगे. सो देर इज ए ट्रिक, दे विल पुट इन टू ऑप्शन, दे विल पुट ए फेमस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडियंस वाले वहीं पर जाएंगे. टू फेमस फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि आंध्रा भी है तेलंगाना भी है, एक आंध्रा का दे विल पुट, एक तेलंगाना का दे विल पुट. आंध्रा वाले जाएंगे आंध्रा के साथ, तेलंगाना वाले जाएंगे तेलंगाना के साथ, और एक रहते तमिलनाडु वाले, उनको कुछ कोरोमंडल का दिया जाएगा. ठीक है, फेमस फॉरेस्ट गया आंसर, सबका बराबर गलती हो गया सबका. दिस इज सो यू नीड टू एग्जैक्टली नो, यू नीड टू एग्जैक्टली नो कि सेसाचलम फॉरेस्ट में है. नाउ योर टास्क ऑफ टुडे इज सेसाचलम फॉरेस्ट इज फेमस फॉर व्हाट, ओके, इज फेमस फॉर व्हाट एंड सम डिटेलिंग, 2 to 3 लाइन्स यू विल गेट इट इन विकिपीडिया अबाउट सेसाचलम फॉरेस्ट. बात खत्म. ओके, तो सेसाचलम फॉरेस्ट में मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम सेसाचलम फॉरेस्ट में मिला है एंड फॉर द थर्ड टाइम इन आंध्र प्रदेश. सेसाचलम फॉरेस्ट में तो वहाँ मिला है लेकिन आंध्र प्रदेश में तीसरी बार है, तो आई डोंट नो उसका क्या प्रॉब्लम है आंध्र प्रदेश में. शी शुड कम एंड डू समथिंग इन तेलंगाना, लेट हर स्क्रीम, वी विल ऑल्सो स्क्रीम. ठीक है, डरते थोड़ी है, वी विल ऑल्सो स्क्रीम. ओके, बट इट वॉज साइटेड ओनली ट्वाइस इन द स्टेट अर्लियर एंड बोथ टाइम्स इट वॉज एट नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व. ओके, और ये जो बर्ड्स का हैबिटेट है, इट इज फाउंड इन लार्ज ट्रीज इन थिक फॉरेस्ट. थिक फॉरेस्ट है ना वहां पे, लार्ज ट्रीज एंड स्प्रेड अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट. नाउ इट इज स्प्रेड अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हियर ऑल्सो वन क्वेश्चन कैन बी मेड इन ए सेंटेंस फॉर्मेट क्वेश्चन. दे मे आस्क कि दिस स्पॉट बेलीड ईगल ऑल इज ओनली लिमिटेड टू इंडिया. नो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बाहर भी मिलता है, साउथ एशिया में भी मिलता है, वियतनाम में भी मिलता है. सो साउथ एशिया, सो इंडिया के बाहर भी मिलता है. दे विल नॉट आस्क अबाउट एग्जैक्टली कंट्री नेम, दे विल नॉट आस्क. सो देयर इज अ पैटर्न, वंस यू गिव कीप गिविंग एमसीक्यूज यू विल कम टू नो हाउ द क्वेश्चन विल कम, कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है. वंस यू कीप गिविंग एमसीक्यूज यू विल कम टू नो हाउ आई कम टू नो कि दे विल नेवर आस्क फ्रॉम विच कंट्री बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस. सेम थिंग यू हैव टू डू इट. ओके, नाउ द बर्ड मेक्स अ स्ट्रेंज स्क्रीम सिमिलर टू ह्यूमन्स, सिमिलर टू ह्यूमन्स. दे आर, सी ह्यूमन्स के बारे में गलत लिख दिया है. एवरी वन डज ऐसा स्क्रीम, तुम लोग करते हो क्या स्क्रीम, एनी वन? हाँ हाँ, कभी ना कभी तो किए हो गए, स्क्रीम करते ना. हेंस इट इज कॉल्ड द घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, स्क्रीम करता है इसलिए घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट. कहाँ पे? इंडिया में. श्रीलंका में इसका नाम और भी अच्छा है, डेविल बर्ड. सो इन श्रीलंका इट इज कॉल्ड डेविल बर्ड, रिमेंबर. तो इंडिया में इट इज घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, सेसाचलम फॉरेस्ट, नागार्जुना सागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व में भी ऑलरेडी इट इज फाउंड एंड इन श्रीलंका इट इज कॉल्ड डेविल बर्ड. ठीक है, डेविल चिल्लाता है, अंडरस्टूड? ओके, दिस इज द डेविल बर्ड, काफी अच्छा है. ठीक है, अच्छा है, घर पे रखो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक.